स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश क्लास वी गोइंग टू स्टार्ट अवर इंग्लिश ग्रामर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स। तो आज हम सीखेंगे ई एम और द को कहां-कहां हम भी यूज करना है। इससे पहले भी बेटा मैंने आर्टिकल्स की एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें बेटा, ई एम और द का यूज हमें कहां-कहां करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी बेटा सिमिलरिटीज बता देती हूं। ई और एम में क्या सिमिलरिटीज है, ई और एम दोनों का ही मतलब होता है एक, और ये हमेशा एक चीज के आगे ही लगते हैं, ठीक है। सेकंड काउंटेबल नाउन क्या करते हैं, दोनों ही काउंटेबल मतलब जिनको हम काम कर सकते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, इनको हम काम कर सकते हैं। लेकिन बॉटल, जूस, मिल्क, इनको हम काम नहीं कर सकते हैं, तो इनके आगे ई और एम का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंडली अब इनमें डिफरेंस बता देती हूँ आपको, जो ए का यूज होता है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे होते हैं। कॉन्सोनेंट वर्ड कौन से होते हैं बेटा, ए से लेकर जेड तक आप ए, ई, आई और यू को निकाल दीजिए, बाकी जितने भी वर्ड हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, उनके आगे सभी के आगे क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड हैं, जैसे एस से सन तो हम असन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बी से बॉल, अ बॉल कह सकते हैं। सी से कैट, अ कैट, कितने भी वर्ड हो उन सभी के आगे जो इनसे शुरू होते हैं इनके आगे ए हम लगा सकते हैं। और हिंदी में क से लेके ज्ञ तक जितने भी साउंड आएंगे उन सभी से शुरू होने वाले वर्ड्स को हम ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अ बैनर, अ टेबल, अ डोर, अ स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम। एम का जो हम यूज करते हैं वो हम वोवल्स के आगे करते हैं। वोवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को इंग्लिश में वोवल कहा जाता है, ठीक है। बट इसमें एक और चीज है, हिंदी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि हिंदी में अ से लेके अंग तक की ध्वनि के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं उनमें ई एम आएगा, बाकी किसी में एम नहीं आएगा। जैसे कि यू है जो हमारा, यू भी हमारा वोवल साउंड है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिकॉर्न, तो इसके आगे एन जो लगा हुआ है गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिकॉर्न य से शुरू होता है, य क से लेके य के बीच में आता है, अ से लेके अंग के बीच में नहीं आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ ही बिल्कुल सही हो जाएगा, एन अम्ब्रेला हम इसको कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला अ की ध्वनि आती है, अम्ब्रेला में शुरू होने से पहले य की ध्वनि नहीं आती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अ से लेके अंधा की ध्वनि आनी चाहिए, उसके आगे ही एन लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ई और एन का कंसेप्ट बेटा कम होता है, पर अब चलते हैं हम हमारे द के कंसेप्ट की तरफ। द जो है सब स्पेशल चीजों के आगे रखता है बेटा, इसको बहुत ध्यान में रखना। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ थिंग ऑलरेडी मेंशन, जब हमें किस चीज के बारे में पहले ही बताया जा चुका है दूसरी बार फिर से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द का यूज करते हैं। जैसे कि अ वॉशरमैन हैड अ डॉग, एक वॉशरमैन के पास क्या है, एक डॉग है। अ डॉग बोल दिया हमने, दूसरी बार हम कहें द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो दूसरी बार हम उसके आगे द का यूज कर सकते हैं। तो हम जब किसी भी चीज को पहले मेंशन कर चुके हैं दूसरी बार उसके आगे हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी स्पीक अबाउट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के बारे में बात करें, जैसे कि हम किसी ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है, ठीक है, तो हम उसके लिए द का यूज कर सकते हैं। जैसे आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानती हूँ, द गर्ल का है मैंने, आई नो द गर्ल हु हैव क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, जिसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम द का यूज कर सकते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, टू इंडिकेट होल क्लास, किसी की पूरी जाति को इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग, डॉग एक कुत्तों की प्रजाति है पूरी, ठीक है, तो हम उसको मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी पूरी जाति ही फेथफुल होती है, तो उसके लिए भी हम द डॉग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, सीज, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, किसी भी रिवर्स के, माउंटेन्स के, इन सभी के आगे भी हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे द गंगा जैसे केयर रिवर वो धार्मिक रिवर है हमारी, ठीक है। माउंटेन जैसे द माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई, बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पे है। द अरेबियन सी बोलते हैं जैसे कि हम, ठीक है, जैसे द यूएस भी कहते हैं, द अंटार्कटिका भी कहते हैं, तो इन सभी चीजों के आगे हम द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ सेक्युलर बुक्स, धार्मिक किताबों के आगे, जैसे कि द गीता, द बाइबल, द कुरान, उनके आगे, न्यूज़पेपर से के आगे, मैगजीन्स के आगे भी हम यूज कर सकते हैं द का। द नेम ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, वेल नोन बिल्डिंग्स, इनके आगे भी हम द का यूज कर सकते हैं। वेल नोन बिल्डिंग्स कौन सी, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ऐसे कि हमारे घर की बिल्डिंग है उसके आगे भी द का यूज कर लेना चाहिए, ठीक है, कि द बर्ग हाउस, द बंसल हाउस, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा फेमस बिल्डिंग है उनके आगे हम द का यूज कर सकते हैं, और जैसे कि द ट्रेन है उनके आगे द शताब्दी एक्सप्रेस हुई जैसे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होती है विशेषता,
लवली चाइल्ड, ठीक है। द लवली हमने कहा ना, एक विशेषता है बच्चे की, क्या विशेषता है कि वो बहुत लवली है, तो उसके आगे हम द का यूज कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे, जैसे लवलीएस्ट, ठीक है, बिगेस्ट, तो ये सारे सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, इनके आगे भी हम द का यूज कर सकते हैं। एंड इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट मतलब कहीं के निवासी हैं, तो उनके लिए जैसे कि फ्रेंच, हम कहेंगे यहाँ पर फ्रेंच रहते हैं, द फ्रेंच कह सकते हैं हम उनको, लेकिन किसी भाषा या लैंग्वेज के लिए हम द का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम द फ्रेंच कहेंगे क्योंकि वो हम फ्रेंच लोगों के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा ए एन और द का यूज, कैसे लगी वीडियो जरूर।